दोस्तों बी आर शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रेंट का फ्लैट। अमेजिंग क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको फुली फर्निश्ड फ्लैट मिलने वाला है। हाँ जी, मेन रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी पे 20 फुट चौड़ी गली में कार पार्किंग के साथ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 60 गज के अंदर बना हुआ एक 2 BHK फ्लैट, जिसके अंदर आपको AC मिलेंगे तीनों रूम्स के अंदर। ठीक है, फॉल सीलिंग का काम मिलेगा, सोफा मिलेगा जो यूजली नहीं मिलता है किसी भी फ्लैट के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा बेड मिलेगा विद मैट्रेस, चिमनी, गीजर और RO जैसी सारी फैसिलिटीज आपको प्री इंस्टॉल मिलने वाली है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग किचन मिलेगा पूरा मॉड्यूलर, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मैं आपको धीरे धीरे लाइन से बताता रहूंगा। चलिए फटाफट से सिनेमेटिक्स एंजॉय कीजिए। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, नई है, पुरानी है, जिसको आप रेंट आउट करना चाह रहे हो, सेल आउट करना चाह रहे हो, लीज आउट करना चाह रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जड़ से पूरा का पूरा मकान है, कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन है, डू कॉन्टैक्ट अस। इंटीरियर का कोई काम कराना है, एक्सटीरियर का कोई काम कराना है, कोई घर के अंदर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन है, मॉड्यूलर किचन बनाना है, या फिर पूरे का पूरा घर का रंग बदलना है, तो डू कॉन्टैक्ट अस नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स, बहुत टाइमली काम के साथ आपको मिलेगा। फटाफट से सिनेमेटिक्स एंजॉय कीजिए। आई विल बी बैक। सो गाइस, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, हाँ जी, अपर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका ये फ्लैट रहने वाला है। जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करते के साथ ही हमारा लिविंग हॉल मिल जाएगा। लिविंग हॉल के अंदर सोफा मिलेगा आपको, ठीक है, और ऐसी दो चार चीजें और मिलेंगी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले फ्लोर प्लान बता देता हूँ। सामने आपको दोनों के दोनों रूम्स मिलने वाले हैं, एक वॉशरूम मिलेगा आपको इधर, एक हमारे को किचन मिलने वाला है। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट सा उसका फ्लोर प्लान है। दोनों के दोनों रूम्स के अंदर आपको बालकनी अटैच मिलेगी, इसका मतलब है वेंटिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाला है। अप्रॉक्सीमेट साइज जो इसका होगा 55 से 60 गज के आसपास का साइज रहने वाला है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट साइज। हाँ जी, आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। फ्लोर लिविंग हॉल की अगर मैं बात करता हूँ, सो इट इज़ 12x11 के साइज के अंदर आपको लिविंग हॉल है। फ्लोर पर डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी, हल्का सा ऊपर आ जाओगे आपको वॉलपेपर्स मिल जाते हैं इस वाली वॉल के ऊपर, एक्शन वॉल, बाकी लाइट कलर सिर्फ ऑफ वाइट कलर से पेंटेड हमारी वॉल्स हैं। AC आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलने वाला है। हल्का सा और ऊपर चले जाओगे, आपको फॉल सीलिंग, फैन, कोव लाइट और कंसील लाइट सारी की सारी प्री इंस्टॉल मिल रही है, आपको कुछ नहीं लगवाना है। ये है हमारा लिविंग हॉल। सोफा 2 सीटर का सोफा इधर, एक छोटा सा स्टोरेज विद माइक्रोवेव आपको मिल रहा है, एंड अलॉन्ग विद दिस एक और छोटा सा शू रैक कम बैठने का सेटिंग स्पेस मान सकते हैं इसे आप। और हल्का सा इधर आ जाएंगे तो छोटा मोटा सामान रखने के लिए आपको ये मिल जाता है, ओल्ड स्टाइल के अंदर काफ़ी सही चीज़ है ये भी, टीवी रखने के लिए। हल्का सा और हम आगे आते हैं तो ये हमारे को मॉड्यूलर किचन मिलेगा, पूरा मॉड्यूलर किचन है। नीचे आपको एम्पल स्टोरेज मिलेगा, कवर्ड पूरे का पूरा, ऐसे ही आपको ऊपर स्टोरेज मिलेगा विच इज़ क्वाइट डिसेंट। अब मैं अमेनिटीज की बात करता हूँ कि इस किचन के अंदर आपको क्या क्या खूबियाँ मिलने वाली है। वॉल टू वॉल टाइल्स है, गंदगी नहीं होने वाली है, व्हाट डू वी कॉल इट, ग्रेनाइट का मार्बल आपको लग के मिल रहा है, चिमनी आपको लग के मिल रही है, RO आपको लग के मिल रहा है, और इन सब के साथ वेंटिलेशन बहुत अमेजिंग है। साइज बहुत डिसेंट साइज के अंदर आपको किचन मिल रहा है। यहाँ से आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इट इज थोड़ा सा अंदर से चौड़ा कर रखा है, तो आपको काफी डिसेंट साइज के अंदर एक डिसेंट साइज का किचन मिल जाता है। यहाँ से आप हल्का सा आगे आएंगे और हमारे वॉशरूम की ओर चलेंगे। सो गाइस, ये रहने वाला है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आपको गीजर सबसे पहले प्री इंस्टॉल मिल रहा है, नीचे आपको पॉट एरिया मिलेगा, यहाँ पे आपको हैंड वॉश एरिया एंड बेथिंग जोन दोनों एक साथ मिलेंगे। वॉल टू वॉल टाइल से कवर होने की वजह से वॉशरूम आपको एकदम साफ सुथरा रहेगा। वेंटिलेशन के लिए आपको पूरे का पूरा विंडो मिल रहा है। एक वॉशरूम के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं सारी की सारी फुलफिल हो जा रही हैं। पॉट एरिया सेपरेट है, हैंड वॉश एरिया एंड बेथिंग जोन सेपरेट है, वेंटिलेशन बहुत अमेजिंग है। ये था अभी तक का हमारा कॉमन एरिया। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि एक रेंट के ऊपर फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट के अंदर जो हमारे पास बेसिक चीजें होनी चाहिए थी वो आपको यहाँ पे सारी की सारी मिल रही हैं। सोफा, माइक्रोवेव, चिमनी, RO,
लिविंग हॉल के अंदर ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब चलते हैं हमारे बेडरूम्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। सो गाइस, जैसे हम बेडरूम के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करते के साथ ही सबसे पहले तो इट इज क्वाइट डिसेंट इन साइज। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, 10x12 के साइज के अंदर आपको हमारा बेडरूम मिल रहा है। हाँ जी, दिस इज द बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा जो बेडरूम होने वाला है दोनों में से वो ये रहेगा। अलमीरा आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 पैनल का स्लाइडर डोर के अंदर आपको अलमीरा मिल रहा है, विच इज इन क्वाइट गुड डेप्थ। डेप्थ देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ओवर हेड स्टोरेज भी आपको मिल रहा है उसी के साथ। वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कितना अमेजिंग वॉलपेपर मिल जाएगा। हल्का सा ऊपर चले जाएंगे, आपको कंसील लाइट कोव लाइट फैन लगा हुआ फॉल सीलिंग में काम, व्हाइट कलर से पेंटेड वॉल्स हैं, ग्रे कलर की डिजिटल विट्रिफाइड टाइल्स हैं हमारे फ्लोरिंग के ऊपर। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे हमको बेड नहीं मिल रहा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको इसके अंदर एक डबल बेड मिलेगा, चाहे इस रूम में लगा लीजिए चाहे उस रूम में लगा लीजिए। किचन के अंदर आपको फ्रिज मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन आपको लग के मिलेगा। हाँ जी, फ्रिज जब आप प्लान करते हैं, जब भी आप मन बनाते हैं, आपको लग के मिलने वाला है। सो कमरे का साइज अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छा है, एसी लगा हुआ है, वेंटिलेशन, दिस इज द वेंटिलेशन और दिस इज द बालकनी स्पेस जो आपको मिलने वाला है। सो गाइस, काफी डिसेंट बालकनी स्पेस है। बालकनी भी ऐसा नहीं कि घर के सामने दूसरा घर आपको दिख रहा है, क्वाइट ब्रीदेबल स्पेस मिलेगा। गाइस, जैसे ही मैं यहाँ से निकले, सिमिलर आपको डोर दूसरे रूम का मिलेगा जो भी लॉक है, इस चक्कर में मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब कि दिस शोज के दोनों के दोनों रूम्स के अंदर आपको रनिंग बालकनी मिल जाती है। चलिए दूसरा रूम दिखा देता हूँ। सो अभी तक बाकी जो आपने मेरे ख्याल से देखा होगा, एक जो डिसेंट हमारा जो रूम होता है उसके अंदर हमारे को क्या चाहिए होता है, बहुत डिसेंट साइज के अंदर हमारे को एक रूम मिल जाए वो है, उसी के साथ रेंट बहुत ज्यादा ना हो, जो इसका आपको नहीं मिलने वाला है। लेट मी टेल यू, डिस्क्रिप्शन में जाके आप रेंट देख सकते हैं, जहां से आपको पता लग जाएगा कि कितना अमेजिंग प्राइस के ऊपर आप इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप इस रूम में एंटर करते हो, फैब्रिक डिजाइन के अंदर आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, हल्का सा ऊपर देखोगे कंसील लाइट कोव लाइट फैन लगा हुआ हमारा सीलिंग, नीचे आपको ग्रे कलर का फिर दोबारा डिजिटल विट्रिफाइड टाइल्स मिलेगा, व्हाइट कलर से पेंटेड हमारी वॉल्स मिलेंगी। अब आप कह रहे होगे कि यहाँ पे जो ये बेड है और ये रूम आपको छोटा लग रहा है, ये वाला बेड आप दूसरे वाले उसके अंदर रूम के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हो जो कि साइज में बड़ा है, ओनर ने यहाँ पे रख रखा था, दिस माइट बी एनी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, उसको छोड़ देते हैं। सो ये आपको डबल बेड विद मैट्रेस मिलेगा, यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है पूरे का पूरा, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है और इसी के साथ आपको ये वाला बालकनी से अटैच हमारा एक्सेस मिल जाएगा। एसी आपको यहाँ पे भी लग के मिल रहा है, वेंटिलेशन आपको यहाँ पे भी इतनी जबरदस्त मिलेगी पूछिए मत। सो गाइस, ये था हमारा आज का फ्लैट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। रीजन बीइंग, इसके अंदर आपको जो भी एक बेसिक 2BHK फ्लैट के अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बहुत अमेजिंग प्राइसिंग के साथ, वो सारी की सारी आपको मिल रही है। फ्रिज मिल रहा है, RO मिल रहा है, चिमनी मिल रही है, बेड मिल रहा है, सोफा मिल रहा है और गीजर मिल रहा है, AC मिल रहे हैं, स्पेशली 3 ACs, मतलब 3 AC मिल रहे हैं आपको, 3 भी नहीं तो दोनों बेडरूम के अंदर आपको 2 AC मिल रहे हैं, अलमीरा आपको प्रिंस हॉल मिल रही है, और क्या चाहिए, और वो भी इतने नॉमिनल प्राइस में, 16,000 के प्राइस में। हाँ जी, 16,000 रुपए के अंदर इतना सारा सामान आपको मिल रहा है जो मैंने आज तक कभी खुद भी नहीं दे पाया हूं, लेकिन आज मैं फाइनली एक प्रॉपर्टी ऐसी आप लोगों के लिए ढूंढ लाया हूं। रोड 20 फीट चौड़ा मिलेगा, मेन रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी पे। हाँ, ये नहीं कि इतना सारा सामान दे रहा हूं तो आपको कह दूंगा कि आप वहां चले जाओ एकदम 2-2.5 किलोमीटर अंदर, नहीं, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आकाश हॉस्पिटल के बहुत पास है, अगर आप आकाश हॉस्पिटल के स्टाफ है तो आप ले सकते हैं, और आपको वैसे ही मतलब एयरपोर्ट के में काम करते हैं तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से बहुत नजदीक पड़ने वाला है। सो गाइस, ये था हमारे आज की प्रॉपर्टी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन है जो आपका आंसर रह गया है, ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी को नोट डाउन करके नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें, जल्द से जल्द इसे बुक कराएं, और एल्स भूल जाएं, लिटरली भूल जाएं। इससे पहले भी कई बार हुआ है, फुली फर्निश्ड फ्लैट्स हमने डाले हैं, बाद में आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, इस रेंज में दोबारा दिलाओ, अब नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लाएंगे, बहुत अमेजिंग फ्लैट है तो इसे जल्द से जल्द अपना बना लीजिएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया ठाटा।